उन्होंने उसके पास संधि के दूत भेजे। उन्होंने कहा, हम राजाधिराज नबूकदनेज़र के दास आपके पांव पड़ते हैं, आप जैसा चाहें हमारे साथ वैसा ही करें। हमारे बाड़े, हमारे सब घर द्वार, हमारे गेहूं के सभी खेत, हमारा पशुधन और हमारी गौशालाएं, ये सब आपका है, आप जैसा चाहें उनके साथ वैसा ही करें। हमारे नगर आपके हैं, उनके निवासी आपके दास हैं, आप हमारे यहाँ पधारें और वही करें जो आपको उत्तम जान पड़े। वे दूत होलोफेरनीस के पास गए और उसे ये संदेश सुनाया। इसके बाद उसने अपनी सेना सहित समुद्र तट के प्रांत में प्रवेश किया। उसने किलाबंद नगरों में रक्षक सेना रख दी और उन जातियों में से सहायक सैनिकों का चुनाव किया। उन्होंने और आसपास के सब लोगों ने मालाएं लिए नाचते और डफली बजाते हुए उसका स्वागत किया, परंतु उसने उनका प्रांत उजाड़ दिया और उनके पूजा कुंज कटवाए, क्योंकि उसने पृथ्वी भर के देवताओं का विनाश करने का संकल्प किया, जिससे सब राष्ट्र केवल नबूकदनेज़र की आराधना करें और सभी जातियां एक स्वर से उसे देवता के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद वो दोतान के पास इस्द्रालोन आया, जो यहूदिया की पर्वत श्रेणी के सामने है। उसने गाबे और स्कूतापुलिस के बीच पड़ाव डाला। वहां अपनी सेना का रसद एकत्रित करने के लिए वो महीना भर रुका रहा।